हेलो प्यारे खूबसूरत दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। सो दिस इज मी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये खूबसूरत प्लांट जो कि मेरे साथ है हजारों करोड़ों सालों से। नहीं, एक्चुअली रिसेंटली लिया है मैंने। वैसे ये फिलाडेंड्रन मेरे पास ऑलरेडी है, पर इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारे बड़े एंड खुश थे, तो मैंने ये ले लिया है अपने इस रूम के लिए। एक्चुअली इसको समा हो गया है एंड ये थोड़ा ग्रो भी हुआ है। And हम लोग रेडी होंगे। सो दिस इज अनफिल्टर्ड मी। सो जब मेरे बाल स्टाइल नहीं होते हैं, सीधे फ्रेश वॉश्ड हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ मेरी जिंदगी के साथ। जितना मेरे बाल उलझे हैं, उतनी मेरी जिंदगी मुझे उलझी उलझी फील होती है। सो समझ में नहीं आएगा अब कितना इनको सजाएं। आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से? अगर यस तो बताना मुझे ना। मैनू अगे चंगे ला दे, ना पिछे, ना सीधे, ना उल्टे। जितने मर्जी मैं कोशिश कर ला कि किसी ना किसी तरह इसके साथ लव करना है। चलो एनीवेज, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड टुडे। सो मैं जाने वाली हूँ होम डिपो, कैनेडियन टायर एंड ऑल्सो वॉलमार्ट। होम डिपो मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में है, इमरजेंसी सिचुएशन में है, थोड़े दुखी हैं एंड उनको खुश करने के लिए मुझे कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर ना जो मेरा मॉन्स्टेरा है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसमें उसका जो प्लांटर है वो मुझे चेंज करना है और उसमें कोई सपोर्ट देनी है क्योंकि मॉन्स्टेरा है जो वो वाइन होता है तो उसे चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए और वो बहुत फैल गया है। एंड जहाँ पर भी मैं उसको रखती हूँ वो रूम का आधा रूम वही प्लांट ले लेता है जो कि Not liking it. So उसको थोड़ा groom करने के लिए, उसका planter change करने के लिए कुछ ingredients चाहिए and थोड़ा सफाई वाली ingredients मैंने पहले भी बताया था, कोई cleaners, कोई ऐसे products मैं Canadian Tire से खरीदती हूँ and थोड़ा सा lunch box के लिए stuff मैं Walmart से लूँगी हिम्मत के लिए and then weird. एंड आज ना थोड़ा ग्लूमी एंड अजीब किस्म का मौसम है और जब ऐसा मौसम होता है तो मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। वाई? Because I don't know. So इसलिए मैंने हस्बैंड को मना लिया कि मेरे साथ चलो, हम दोनों जाएंगे, जो भी करेंगे इकट्ठे कराएंगे, जीतेंगे इकट्ठे, हारेंगे इकट्ठे। सो ही सेड ओके। सो उनके साथ जाऊंगी मैं क्योंकि कई बार ना जब मैं किसी स्टोर में कोई शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है, तो मैंने सोचा कि आज वैसा इंसिडेंट हम दोनों इकट्ठे विटनेस करेंगे। दैट्स अ राइट वर्ड। चलो चलिए आपके साथ भी विटनेस करेंगे वो वर्ड्स। सो लुक एट दिस ब्यूटी। आपको शायद मैंने ये लास्ट ईयर दिखाया होगा, ये पूरा मरने के लिए रेडी था। हे हेलो, मेरी आवाज बहुत मीठी है। क्यों पता कि तेरी ये चिताओ नहीं इन द कार्टून? ओए हिम्मत से गाओ। अच्छा हिम्मत ही। अच्छा God, woman. Okay, so. सो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है नर्सरी क्योंकि मैं प्लांट्स को बहुत पसंद करती हूँ एंड कई सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ यहाँ से। एंड अभी ऑफ सीज़न है तो कुछ स्पेशल्स भी हो सकते हैं। वैसे ये नर्सरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर या फिर भी फॉर सोल पर्पजेज यहाँ पे जाएंगे आत्मा की शांति के लिए। सो रोम अराउंड किया मैंने, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें हैं। अगर आपको अपने गार्डन को सजाना है, पॉट्स हैं, बहुत सारी डेकोरेशन के आइटम्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, प्लांट्स के स्टैंड्स हैं, प्लांटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी समर्स में आने वाली भी, अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहें तो मैं इसका नाम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ये कैलगरी साउथ वेस्ट में है। दिस इज सो क्यूट गाइस, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए प्लांटर्स। अगर बच्चे अपने रूम में प्लांट्स लगाना चाहते हैं, सकुलेंट्स और समथिंग। और प्यारा जिराफ भी है। सो यस, वंडर अराउंड करेंगे, सारी चीज़ों की जांच परख करेंगे कि कड़ी चंगी कड़ी मारी और डिसाइड करेंगे कुछ लेना है या नहीं। So far, husband's busy on phone, as usual. So, pati talking to some random dudes. So, यहाँ पे pots, plants, सारा कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है, पर prices थोड़े ज़्यादा ही high हैं।
ओके सो ये वाला प्लांटर आप देखिए 65.99 और इतना बड़ा साइज नहीं है इसका, तो प्रिटी एक्सपेंसिव। सो हमने इस स्टोर से कुछ भी लिया नहीं है, अभी भी स्नो एंड ग्लूमी सा दिन है। अगला स्टॉप होने वाला है वॉलमार्ट, उसकी वीडियो नहीं मैंने शूट की है। देन हम इंडियन ग्रॉसरी गए थे एंड बहुत ही प्यारी सी चीज़ मिली मुझे वहाँ से, दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस ना हमें हमेशा बर्तन साफ करने की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं सोचा पति ने पतलां दी रोटी खाया नहीं, बहुत बहुत सारियाँ यहाँ दोनों दे मैंने चौंकड़ी मरा के थले दोनों बहुत पतला कनेडा तक पहुँच गई हैं। ईको फ्रेंडली यार ये चीज़ लंगर खाने का स्वाद ही कुछ होर होता है ना, बड़ा मज़ा आता है, दिल खुश हो गया मेरा। गाइस बहुत सारियाँ हैं इफ यू वांट। पिछले हफ्ते हम लोग गए थे बैम्फ एंड माउंटेन्स का मज़ा लूटने के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार अच्छा सोल फुलफिलिंग ट्रिप था वो, हमने अच्छी शाम गुजारी वहाँ पे, पर समय रहते ही हम वापस आ गए थे, ज़्यादा लेट नहीं। What is wrong with you? Yep. Daddy, revenge. Revenge. Daddy can't do it. Okay, दोस्तों हजारों सदियों के बाद हम लोग आ गए हैं बैम्फ में मज़ा लूटने के लिए। आई डोंट नो अगर ये असली स्प्रिंग शुरू होने वाला है ऑलमोस्ट या फिर नकली। हस्बैंड तो मुझे डरा रहे थे कि ओ नहीं हरे बर्फ पड़ेगी, बट आई थिंक नहीं पड़ेगी। सो ये अच्छा मौसम है तो हम लोग आए हैं बैम्फ। आज फैमिली डे है, फैमिली डे को इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि बहुत समय हो गया कि हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं स्पेंड किया। हम बहुत बिजी थे, हस्बैंड अपने टूर पे थे, हिम्मत भी अपने ट्रिप पे गया था फॉर 10 days। सो फाइनली वी आर रीयूनाइटिंग, ये तो ये बोलेंगे या सो फाइनली वी आर रीयूनाइटिंग आफ्टर अ मंथ और सो। सो हमने सोचा कि थोड़ा एडवेंचर करते हैं ना, हम एक ट्रेल पे हैं जहाँ पे ये ट्रेल हमें लेके जाएगी हुडू। यस आई डिड एंड आई थिंक यू डिजर्व, ओ नो यू डिजर्व समथिंग कॉल। ओके सो या गाइस बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत वादियाँ, पानी। अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे बैठने के बाद हस्बैंड ये बर्फीले पानी में डुबकी लगाएंगे एंड वो जो चमत्कार होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगने वाला है वो आपको। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरी जाने जा, जाने जा, जाने जा तो शटकी चली जाती है। एक्चुअली मैंने आपको ना बहुत बार बताया नहीं है शायद, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, लाइक कुछ ना मुझ में संगीत जैसा है। सो लेट मी सिंग अ सॉन्ग, बहुत तुम्हें गाना सुनावा, मैं भी गाड़ लगन दिया बहु देखो मैंने। आई थिंक दे ट्रिक यू एंड मी एंड डैडी, दे ट्रिक ऑल ऑफ अस। Okay, we're gonna leave when sun is down. Okay, main tonu gaana sunaave and please vich bol leo na daddy aur himmat tonu. To khushi mil gayi. You like it? No. Yaar tu te vaadiyan da nazara vi tu kharab kar de bas. Yeah, bahut seriously. Silence nu feel da. Main inne mere na barf maarniyan nu ke naam. Manne hun na mari bas kar. ओके डोंट पुट स्नो वूमन बनाना है। वाओ
बैम्फ की जो इवनिंग है उसका एंड हमने किया था बहुत ही प्यारे से इंडियन मील के साथ। ये जायका नाम का रेस्टोरेंट है, ये आपको बैम्फ की इस ट्रिप पे मिल जाएगा। इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा एंड स्वादिष्ट होता है एंड ऑल्सो लाइट भी होता है आपके स्टमक के लिए। एंड इसी हफ्ते हिम्मत के स्कूल में डांस पार्टी थी जिसको लेके हिम्मत बहुत एक्साइटेड था। वो 3 टिकट्स खरीद के लेके आया था, मेरे लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो वो काफ़ी अच्छी मज़ेदार डांस पार्टी गई। हस्बैंड भी थोड़ा सा डांस कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी रूमेटोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, जो मुझे रूमेटोलॉजिस्ट मिला है वो कैलगरी डाउनटाउन में है, तो मैंने सोचा मैं ट्रेन में जाती हूँ डॉक्टर से मिलने के लिए। और उसके बाद डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख के दिए हैं, वो मैं अभी इन प्रोसेस हूँ। जब वो हो जाएगा एंड मेरी रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी सिचुएशन कैसी है। वापस आते हैं आज के दिन पे। आज का दिन देखिए कितना अजीब किस्म का है। सो, जैसे बारिश में पकौड़े खाने के लिए मन करता है ना, तो बर्फ़ में भी पकौड़े खाने के लिए मन करता है। तो मैंने ना बनाए हैं आलू भर के ब्रेड के रोल, वहाँ पे हस्बैंड बैठे हैं तो चाय का कप बनाएंगे एंड मज़ेदार गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स खाएंगे हम चाय के साथ। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे ये फॉर सम रीजंस। अपने हाथ धो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी रैंडम चीज़ों को रिकॉर्ड करना। एंड ग्रॉसरी को सारा निकाल के मैं रख देती हूँ ये शेल्फ पे एंड आपको थोड़ा सा क्विक ग्रॉसरी हॉल भी कर दूंगी। सो, मैं आपको ना थोड़ी सी ग्रॉसरी की हॉल करती हूँ, उसके बाद मेरी साधना का समय होने वाला है। ओके, सो मैं लेके आए टमाटर, ये मसाले हैं थोड़े चार, लज्जत पापड़ है, ये इडली का मिक्स लेके आई हूँ क्योंकि मैंने ना ये हॉकिंस का इडली स्टैंड लिया है इंडियन ग्रॉसरी से। बहुत लंबे समय से मैं लेना चाहती थी पर लिया नहीं मैं, पर आज ले लिया। सो, इसको इसके साथ ट्राई करेंगे एंड देन सांभर बनाएंगे। और दिस मम्मी को कुरकुरे बहुत अच्छे लगते हैं। ओ पूजिया खाई। ओके, सो पिंडी लेके आई हूँ, आज मैं कोशिश करूँगी कि इसको बना लूँ। एंड ये कुकीज़ ली हैं हमने, मुझे ना नमकीन अजवाइन या जीरे वाली कुकीज़ अच्छी लगती हैं, पता नहीं ये अच्छी लगेंगी या नहीं, पर ला लिया हमने। और दाल पूजिया क्योंकि किसी ने चाय चूकीन ले आया हमारे घर, तो अदा चिंगी विंगी सामान वैसे बहुत कम लेते हैं हम। स्वीट पोटैटो है, बैंगन ले आंदी और ये तोरी, ये ना साउथ इंडियन स्टाइल तुरई बोलते हैं, आई डोंट नो की, पर इधर फ्लेवर ना बिल्कुल पंजाब की राम तोरी जैसा है। मूली परांठे के लिए मूली एंड होर कुकीज़ फालतू आलतू एंड सौंफ, ये नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चिंग्स के वज हाका, पनीर, धनिया एंड ये कुट्टू फ्लावर। ये मैं ना इसलिए जिस दिन आप ग्लूटेन नहीं खाना चाहते उस दिन खा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रेन नहीं है। And Kalida. So this is the tiny hall. What you doing, bro? So अब समय आता है डिनर बनाने का। मैंने ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास लेफ्ट ओवर दाल है कल की एंड भिंडी की सब्जी बना लेते हैं दाल के साथ एंड भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, आपको अच्छी लगती है? एंड फॉर सम रीज़न मुझे फ्रेश ही भिंडी अच्छी लगती है, लाइक दिस वन। मैं फ्रोज़न नहीं खाना मुझे अच्छा लगता, मैंने 2-4 बार कोशिश की कि मुझे ठीक लग जाए पर नहीं, मज़ा नहीं आया। सो फ्रेश भिंडी जब आती है तभी मैं खाती हूँ, अदरवाइज मैं खाती नहीं हूँ भिंडी। सो फिर एक और पिद्दी सी चाय की ब्रेक ले लेते हैं। मैंने सोचा एक कप बनाते हैं, आधा आधा पी लेंगे मैं और हस्बैंड एंड ये जो नमक वाली कुकीज़ लेके आई हूँ मैं अजवाइन वाली, ये भी ट्राई कर लेंगे।
एंड ये हिम्मत को भी कुकीज काफी अच्छी लगी। ये मैं आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ, प्यारा सा न्यू गाय इन द फैमिली गाइस। ये life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. चाय की ब्रेक के बाद जल्दी से भिंडी को लगाएंगे तड़का एंड बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भिंडी बनने वाली है। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I let figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. जब तक भिंडी कुक होती है हम सैलड भी तैयार कर लेते हैं। मुझे अपने सैलड को बहुत ही बारीक काटना अच्छा लगता है। I don't know, for some reason मुझे लगता है कि इससे स्वाद में फर्क आ जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट सैलड तैयार है। भिंडी भी होने वाली है। जब तक भिंडी को खो रही है मैं जल्दी से ग्रॉसरीज़ को सेट कर लेती हूँ। ये मैं मांग की दाल लेके आई हूँ दाल मक्खी के लिए। इसको भी मैं डाल के पैंट्री में सजा देंगे फॉर फ्यूचर। ये मैंने मूंग एंड चने की दाल बनाई थी, छिलके वाली मूंग एंड चना। हिम्मत को राइस के साथ दी है मैंने क्योंकि वो पिंडी नहीं खाने वाला है, तो वो रेडी है डिनर करने के लिए। हस्बैंड अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, जब वो वापस आएंगे। फुलके बना लिया मैंने, पिंडी है, सैलड है, फुलके हैं सिंपल सादे एंड दाल। एंड अब मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। सो या ये टर्न्स आती हैं कभी उनकी कभी मेरी। सो डिनर डन हो गया है, अब हम क्लीनिंग करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। Thank you.
क्लीनिंग करने के बाद ये जो मैं प्लांट लेके आई हूँ ना, इसमें थोड़े से पत्ते डेड हैं, तो इसका ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. सो जो भी पत्ते मुझे लगता है कि मेरे प्लांट को दुखी कर रहे हैं, हम उनको काट देंगे, क्योंकि वो फालतू के न्यूट्रिशन खाते रहते हैं और उनके ग्रो होने का चांस तो होता नहीं है. I feel the tension. You know, this could be like heaven. एंड उसके बाद मैं पौधे को पूरा मिट्टी से निकाल के जड़ों का एग्जामिन करूँगी. मैं डॉक्टर हूँ कि ये जड़ें ठीक हैं या नहीं. सो ये जड़ें ठीक हैं. सो इसको दोबारा से प्लांटर में डाल देंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे एंड इसको बारिश जैसी फीलिंग देंगे. एंड थोड़ा सा मैं इसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड करने वाली हूँ ताकि ये ग्रो करे, क्योंकि अभी स्प्रिंग आने वाला है तो इसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्प्रिंग में ही ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं. और यहाँ पर हम क्लीनिंग कर देंगे एंड डिशवाशर को भी ऑन कर देंगे प्लांटर. Now what doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. प्लांट को उसके प्यारे से ही प्लांटर में एडजस्ट करके सजा देंगे. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट. और उसके बाद दवाइयाँ खाने का समय आता है. थोड़ी सी दवाइयाँ खाएंगे जब मैं रोज़ खाती हूँ. एंड देन मिनी टाइम गूगू को स्टॉप करेंगे. गूगू बेचारी बहुत प्यारे प्यारे मंत्रा प्ले कर रही थी मेरे लिए. एंड हस्बैंड मेडिटेशन कर रहे हैं बेसमेंट में, तो वो लाइट बंद कर दूंगी उनकी मैं. एंड मैं जाने वाली हूँ सोने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ना. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.